दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी को शुभम ब्लॉग में स्वागत है। फिलहाल मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ घर में बैठ के। अभी फिलहाल मैं गया था सुबह में, थोड़ा जो कल फ्लड हुआ था, किस रीजन से होता है फ्लड आप लोगों को दिखाने वाला था, तो इसलिए मैं आज गया हूँ। रीजन क्या है सभी को मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं। फिलहाल हम लोग का दिमापुर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, यही एक रीजन है। आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को ड्रेनेज का जो कचरा होता है, कैसा मिट्टी जमा हुआ है, कैसा क्या हुआ है, तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा आप लोग देख लीजिए। सो दोस्तों, मैं अभी सुबह सुबह निकला हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा देखिए, जैसे पानी फ्लड हो गया था तो इधर का हालत देखिए। तो ये देखिए, जबरा कलेक्ट कर रहा है, बहुत ही जबरा था। अभी जो लुआटीना लोग आता है, ये लोग अपना मतलब से आया हुआ है, सफा करने के लिए नहीं, वो अपना पेट के लिए वो अपना जबरा कलेक्ट कर रहा है। और ये देखिए नाला का हालत, वो देखिए ये थम्मकल सब जमा हुआ है। तो अभी जो आया ये तो अपना लुआटीना लोग है। और ये देखिए इधर मिट्टी जमा हुआ है, देखे इधर इतना घास पेड़ भी उतना स्टार्ट हो गया नाला का अंदर। ये देखिए इतना जंगल हो गया ये, तो इसी वजह से रास्ता नहीं है, फ्लड तो होना ही है, सबका घर में पानी घुसता है इसी वजह से। और देखिए जबरा कैसे जमा हुआ है, ऊपर से फेंकते रहता है ये लोग। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना पड़ता है हम लोग को भी, डस्टबिन में हम लोग जबरा फेंके फेंकना चाहिए। तो अभी इसी साइड में दिखाने वाला हूँ। तो अभी देखिए इसका हालत इधर में, ये देख रहे हो आप लोग, ये इधर पहले में पूरा जबरा दिखता था जो पानी की वजह से, तो अभी थोड़ा जबरा वो निकल के चला गया। और इधर भी फ्लैट पूरा था, मतलब फ्लैट पूरा अच्छा से देखिए हुआ इस घर में। देखिए पहले में पानी घुस के पूरा जबरा घुस गया इसमें। और ये देखिए वॉल लोग दीवार का, इधर जो पानी का दिख रहा है ना पानी, इतना तो पानी था इसमें, इस एरिया को देखिए, ये वॉल भिजा हुआ है ना, तो ये इतना तो पानी उठा हुआ था, देखिए इतना तो पानी था, देख रहे हो ना आप लोग, यही है पानी का जो भिजा हुआ गिला होके वॉल में है। तो ये देखिए पूरा हालत, इधर का हालत देखिए कैसा है। ये रास्ता रास्ता जितना है ये पूरा पानी था। ये देखिए नाला, ये नाला ही देखिए पूरा जंगल हो गया, मिट्टी आ गया, तो पानी तो उठना ही है ना। So, हम लोग यही है रीजन जो हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और बहुत ही कचरा जमा रहता है। और पहले में तो बहुत ज्यादा कचरा था, अभी कल फ्लड होने के बाद थोड़ा कचरा चला गया पानी का साथ, फिलहाल और भी जमा हुआ है। और प्लस मिट्टी ना, ड्रेनेज में मिट्टी हो गया बहुत सारा, तो यही रीजन है। तो फ्लड जगह में फ्लड हो रहा है, क्योंकि ये साल थोड़ा चार घंटा अगर बारिश दे देता तो फ्लड हो जाता है। तो कारण यही है, नाला का सिस्टम ठीक नहीं होगा, वो डाउन एरिया है वही है। तो फिलहाल पब्लिक लोग को भी ड्यूटी बढ़ता है, पब्लिक लोग को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जबरा जो है नाला में ना फेंके वही है, और सफा रखे नाला। और अभी देखते रहिए, थोड़ा मैं वीडियो किया हूँ तो देखा रहा हूँ आप लोगों को सब, मतलब मैं कौन थोड़ा थोड़ा जगह में गया, तो फिर से वापस जहाँ जहाँ फ्लड हुआ था, तो रीजन आप लोगों को दिखाने के लिए। तो किसी का घर में अभी भी पानी है, थोड़ा फेली व्यू कॉलोनी करके सिविल हॉस्पिटल का इस साइड बैक साइड में अभी भी उस साइड में पानी है, पानी कमा नहीं है, थोड़ा कम चुका है लेकिन अभी भी पानी है, घर घर में भीतर में पानी है। आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, जिसको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जो नया व्यूअर्स है सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए, मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं आप लोग के लिए। तो अभी देखते रहिए वीडियो। सो आप लोग को इस साइड का मैं नाला दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये नाला का हालत क्या है, पूरा मिट्टी, तो पानी ऊपर से जा रहा है, जो देखिए मिट्टी जमा हुआ है पूरा। तो देखिए अभी इधर में भी पानी जमा हुआ है घर का अंदर, तो ये साइड का पानी अभी तक निकला नहीं है, सूखा भी नहीं है, तो अभी भी जमा हुआ है। और ये नाला इस साइड का,
और देखिए इधर का पानी अभी तक सूखा नहीं है। इधर देखिए वॉल जो गीला हुआ है ना, निशान दिख रहा है ना, इतना तक पानी था, इधर ज़्यादा ही था पानी। तो यही है हम लोग का दिमापुर का हालत। अभी ये साइड का पानी सूखा भी नहीं है, ये साइड का, और पीछे में तो बहुत ज़्यादा था। अभी ये इधर का नाला देखिए, इधर का मैं नाला दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरा मिट्टी आ गया नाला का अंदर में, और पानी जाने का तो रास्ता ही नहीं है। ये देखिए मिट्टी, कचरा, वो आगे में तो बहुत ही कचरा जमा हुआ है। दोस्तों तो अभी मैं रेल बाजार का साइड में जो ड्रेनेज है, नाला है, तो इधर दिखाने वाला हूँ इधर का ड्रेनेज सुविधा कैसा है। देखिए ये देखिए ड्रेनेज का सुविधा, देख रहे हो आप सब लोग, जंगल हो चुका है ड्रेन का, इधर मिट्टी आ गया, देखिए पेड़ सब पूरा हो गया। ये देखिए ये हालत है इधर का ड्रेनेज का सिस्टम। सो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग का इधर सही नहीं है, तो इस वजह से फ्लड होता है सब जगह में। मैं अभी दूसरा कॉलोनी में भी गया हूँ, तो ये देखिए ये हालत है ड्रेनेज का, ऐसा हालत है। तो ये होगा ना, फ्लड तो होगा, प्रॉब्लम तो होगा।